संसार के जिन्हें भी बड़े बड़े संगीतकार ने वो सारे रंजीत सिंह सिर्फ तबले के नाम तो जानते नहीं, पर तबला मैं कभी सुनाया नहीं किसी ने। हाँ, इंडिया में बड़े बड़े खान साहब, खान साहब इलियास खान साहब, जमालुद्दीन भारती साहब, उस्ताद मूसा कासमी, पंडित भीम सिंह जोशी, सब ने संगत करने तो बाद कई बार बिजली साहब ने मैनू बड़ा उलांभा दिता कि जब मैं रियाज करदा तुहानू देखिया उस वेले वड्डे वड्डे हत्थां विच कड़े पा के संगल बन के ते रियाज किया, मगर अज बहुत मजबूर नहीं कहांगा, प्रेरणा ही है भी मैनू जगाउण दी प्रेरणा मेरी बेटी दी, पिंकी दी और सारिआं दी, क्योंकि तबला बजाया बहुत मुद्दत होगी, ये जान मंगता, मेहनत मंगता, ताकत मंगता, जो वो कुछ है तो नहीं, जिन्ना ये बच्चे तैयार बजा रहे हैं इन्हों का तबला इन्हों उंगल फड़ के सिखाया है, छोटे छोटे सिखाया, अज मैं तो बहुत उपर दी बजा रहे हैं, ये भी सारे कहन लगे नहीं उस्ताद जी भावें तबले के हाथ रख के ही दिखाओ, अज आना जरूर, अज बैठना जरूर, तबला मेरा है, मैं तबला बैग बन के बैग च लै आए, तो मैं दिने भी ये गल की पिंकी ने भी कहा, पिंकी कह लगे नहीं ये नहीं हो सकता, मैं मन में सोचा मना इस जिंदगी जिंदगी का की परवासा आँदी उत्ते रहेगा, यदा की प्रवासा है, यदा की यकीन है, यदा की विश्वास है कि कदों तक जोंदे रही है, दो बोल जड़े हैं ठीक कर रहे हैं चढ़कता है कि यह दो बोल आज बजाए होंगे कि ते जिन्होंने नहीं सुने हुए तो कहेंगे ने, जिन्होंने नहीं सुने वो एक जरूर गल कहेंगे कदे बजाते हो गए, असं भी सुने लोगों ने ठीक है, रणजीत सिंह का नाम है, तबला बजा है, नाम हैगा सब कुछ ठीक है, मगर कदे बजाते हो गए, मैं कदे नाम बजाने वाले की गल न पिछे सिट के ये गल अच दसनी चाहता भी तबला है, तबला एक भाषा है, अज तक तुम तबला सुनिया है, तबला समझिया नहीं, तबला की शै उसनु नहीं, ना किसी वादक ने समझाया, ना किसी ने समझने की कोशिश की तबला है कि तबली एक भाषा है, इंग्लिश भाषा है, पंजाबी भाषा है, संस्कृत भाषा, सारिया भाषावान ने, जिहड़ी जिहड़ी भाषा जिन्हों आती उस गल की वह समझ रखता है, संगीत की भाषा गाना हमने सीमा गा के गई है, उन्हें बोल कहे है, थोड़ा राग सुने, स्वर सुने, बोल सुने, थोड़ू आनंद आ गया, तबले तो तुम सिर्फ एक ही गल सुनते हो भी किरच 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 पाउडर पाई जाते हैं, हत्थ भजी जाते हैं तो वजी जाता तबला वजी जाता, मगर नहीं ऐसी खेल नहीं है, एक अपनी कथा है, अपनी एक व्याख्या है, ये नौ रसा विचों ये रस ने ताल दे भी रस होंगे ने, अज पहली बार मैं तुम्हें गल दसना भी ताल दे भी रस होंगे ने, जिथे सुरां दे रस ने, संगीत दे रस ने, नौ रस ने, नवरात्रि है, नौ रंग ने, नौ निधा ने, ये नौना दे विचों नौ रसा विचों एक रस ये है जिहड़ा तबला है, इसकी भाषा नू पढ़िया भी है, सुनिया भी है, उस्तादां पासों समझिया भी है, जो समझिया उस समझ के आधार पर असी तीन ताल जिन्हों आम आप सुनते हैं, तीन ताल सुना लगे हैं,
तीन ताल है धरत पताल आकाश तीन लोक ने यदा नाम क्यों तीन ताल किसी उस्ताद में पूछ लो। हाँ जी तीन ताल इसको बोलते हैं, तीन तालियाँ इसको होती हैं, तीन ताल बोलते हैं, तीन तालियाँ तो उनको पूछो तीन तालियाँ झपताल में भी होती हैं, तीन तालियाँ तो उसमें भी होती हैं, मगर नहीं ऐसा नहीं है। इसलिए इस समझने वास्ते ये ताल में समझने वास्ते ये समझ रखी भी ताल सुनाना बहुत जरूरी है। 16 मात्राएं ने चार दे भाग ने उन्हें चार भागों के बीच ही इसने हरदीप ने नगमा लाना लहरा लाना। इसको लहरा भी कहते हैं, नगमा भी कहते हैं, शान भी कहते हैं, कोई भी कह लो उस आधार उत्ते बेस बना के असं ये गाना बिजली साहब उठ के आ रहे हैं। इन्होंने बहुत देर तो इच्छा सी दिन चढ़ गया बस अज पता नहीं किमें चढ़ गया मैनू नहीं पता, पर जो दिन चढ़िया वो होए ना हो मैं तो दुआ मंगता कि यह गल हो जाए, ये गल बन जाए, क्योंकि स्वर अर लय कुदरत की देन है, बन जाए तो बन जाए, ना बने तो ना बने। जे थोड़ा प्यार बनया रहा तो उ बोल जो बोले तक बोलन पढ़ना है जे ये बोलना की रवश उस्तादा लोगों ने बनाई है तो ये बोल ये बजते हैं तबले में कोई ऐदा नहीं भी जना खाना जिम्मे उठ के लग गया बजाने गाने बजाता वो कहता हमारा बेटा भी तबला बजाता हमारा भी बजाता, ऐसी खेल नहीं है। ये उस्तादा दाढ़ा ने उस्तादा देन ने इसकी एक भाषा है, इसका एक वर्ण है, इस दिन जातियां ने ताल दियाँ जातियां दातियां ने ताल दियाँ लयकारियां ने अलग अलग उन्होंने लयकारियों के आधार के उत्ते तबले का ज्ञान इन्होंने कराया होया। ये मैथों तैयार बजा रहे हैं, मैं तो सिर्फ इन्होंने सारते जिमें कहते हैं मोढ़े से बाहवा रख के इतने तुरन वाली गल हैगी है, उस तरह अं शुरू करेंगे 1 2 3 गो अलाप अलाप शुरू कर।
ਦਾ ਧਗਨ ਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ
एक दूजे च मोढ़ा मारदे तुरे जांदे उह दो मात्रा दे विच तीन मात्रा दा प्रचल है उह धन दिख गत दिट तिका तक दिट तिका तक दी उहदी चाल इह है धन दिट तदा तक दिट तिका तक दिट तिका तक दी गन क्योंकि साढ़े नालों ज्यादा समा मैडम और उस्ताद जी कठे कॉलेज दे विच रहे ने मैं ज्यादा उस्ताद जी दे बारे दस्सां उस्ताद जी ते ते क्या कहने आज जो कुछ तुसी तुहाडे सामने बोलन दी ज्यादा जरूरत नहीं वी वर कलीग्स इन गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेल लुधियाना ते असी कठे मेरा कहने 30 इयर वी वर टुगेदर कठे-कठे कंपोजिशन बनानियां ऑर्केस्ट्रा तैयार करना फिर असी रिसाइटल्स देना बच्चा नु तैयार करना खैर ये तो ये मैं ये कहनी हूं कि मेरे नालों ज्यादा ये डिवोटी जी मेरे से करो सही आके बैठ जाना मेरे आज तो पहला इन्होंने सारे साल ट्यून करके रखना तो ओ मैनु मैं इन्हां नु कभी इन्हां दा दित्ता दे ही नहीं सकती ये नहीं कि ये बहुत गुणी ने तो मैं तो इन्ना ही कहूँ कि इन्ने गुणी ने कि मैं इन्होंने सामने कुछ नहीं अपने आप में समझती जिन्ना इन्होंने मैंने कोऑर्डिनेशन दी मैं थोड़ा सीनियर सी मैंने बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन दी है मैंने हर थान साढ़े बच्चों ने ज्यादा के प्राइजेस लेके आने ऑलवेज दे शुड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी साढ़े गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन दे बच्चे सो साढ़े दोनों की जी लगन थी और रंग लेके आने से मैं इन्हें जानती हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब ने जो लिखा है कि गुरु बिना कुछ नहीं जे तुसी कुछ पाना चाहते हो तो गुरु तो मनो ये गुरु ग्रंथ साहब साडा गुरु है लेकिन संगीत हो गए या कोई और कला हो गए कला जिदे नाल साडा संसार प्रैक्टिकल हो गए वो गुरु बिना नहीं हो जी सारे तुसी देखते हो गए आजकल इंटरनेट पे इतना कुछ है जरा जाओ ते बजा लो अपना ओ पक्को कॉम्बिनेशन ते बजा लो लेकिन जिहड़ी ये टेक्निक्स ने जिवे हाउ टू डू इट ओ गुरु बिना नहीं मैं इतना ही कहा कि बच्चे नो ये नहीं कि तुसी आज इंटरनेट पे आओ चलो फटाफट अभी तैयार चलो हो गया कर असी बस जी साडे याद हो लेकिन जे तुसी टेक्निकली समझना है ते उस नु गुरु तो जाके पूछो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ
क्यों? क्योंकि जो उन्होंने उन्होंने को सीखा अज वह वर्डते पे ने उन्होंने बोल रहे तो जोड़ा इंटरनेट पर थोड़ा जहा सीखा वह इंटरनेट के बीच ही रह गया। सो कोशिश यह करनी चाहिए है जो संगीत के सच्चे कलाकार बनने चाहते हो तो सारे बच्चों को आने वाली जनरेशन को यह मेरी रिक्वेस्ट हैगी है कि अच्छे उस्ताद को धारण करो जो मैं। थैंक यू। संगीत बारे कोई नॉलेज नहीं सी, पता नहीं सी कि संगीत किमें सिखाया जाता किमें गाया जाता किमें बजाया जाता। पिता जी बांह फड़ के इन्हों को छाड़ा तो फिर उदन दे इन्हों जिथे भी बजाया सारी दुनिया घूमे इन्हों का ना लैके शुरू कर दे तबला बाकी फिर आप ही बजी जाता अगों बच्चों ये दात मिली ते आप जी के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं इजाजत दे जी।
समझी
ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਮਝ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ Oh,
Thank you.
जनाब उस्ताद अल खान साहब जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत रंग बनिया। एक बार फिर मैं चाहूंगा जो ताली ना एक ताली जिसकी चैलेंजिंग बनती है जो अलम खान साहब जी प्लीज एक्सेप्ट दिस। मैं इसे दसना ठीक समझागा कि इन्होंने पता आशीष खान साहब पहला भी उस्ताद जी की बरसी से बजा चुके हैं, उन्होंने भी बहुत रंग भरिया क्योंकि इन्होंने परिवार न उस्ताद जी का कोई खास ही एक लगाव है, बहुत प्यार करते हैं। इन्होंने पिता जी भी बहुत ही उमदा एक आर्टिस्ट सन, दुनिया में एक नामवर आर्टिस्ट विचो हो सन, और अज इन्होंने आके अज की शाम बहुत ही सोहना बनाया। इंस्टीट्यूट वालों और प्रोफेसर रंजीत सिंह वालों इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। सो मैं बेनती करा हूँ साढ़े सरकार जो राजेंद्र सिंह जी मोमी जी वो भी स्टेज पर आ जाए, जिन्हें बहुत अच्छी और साढ़े सरकार जो रवि जी खालसा पीस कोर्स वाले भी अज साढ़े दरम्यान हाजिर ने। सो उन्होंने बेनती है कि वो आन और राजेंद्र सिंह मोमी जी को मंडल जुड़ दें और ताकि उन्होंने भी आया का सौ दिता जा सके। जोधा पानी सदा मिलने की आस करते हैं, सारे का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।